वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रेम्बो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एंडोमेट्रियल या एंडोमेट्रियम बायोप्सी के बारे में डिटेल में। यदि हम बात करें एंडोमेट्रियल बायोप्सी का, तो इसका जो संबंध होता है एंडोमेट्रियम से होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का एक पार्ट होती है। एंडोमेट्रियम को हम अंदर से देखें तो इसकी अंदर की जो लेयर होती है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो ब्रेक होती है, उसी की ब्रेकिंग की वजह से क्या होता है, महिलाओं में मासिक धर्म आता है, मतलब खून आता है। यदि बात करें कि एंडोमेट्रियम बायोप्सी क्यों की जाती है, कारण क्या होता है करने का, सबसे पहला कारण होता है कि इसमें किसी तरीके की यदि अबनॉर्मल ग्रोथ होती है, उसकी वजह से किया जाता है। उसके अलावा यदि जिन महिलाओं में पीरियड डिस्टर्ब रहते हैं, पीरियड बहुत लंबे होते हैं या पीरियड महीने में 2-3 बार आते हैं, उसके अलावा जिनको एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी होती है, इसके बारे में आप मेरा वीडियो डिटेल में देख सकते हैं, या फिर जिन महिलाओं में इनफर्टिलिटी या बांझपन की समस्या होती है, गर्भ नहीं धारण कर सकते हैं, या फिर जिन महिलाओं में एंडोमेट्रियम में टीवी होती है या कैंसर होती है, या रजोनिवृत्ति या मीनोपॉज के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो ऐसी महिलाओं में क्या होता है, एंडोमेट्रियम बायोप्सी की ज़रूरत होती है, या फिर जिनका जो गर्भ का लेवल है, गर्भाशय है, वो काफ़ी मोटा है उस कंडीशन में। यदि बात करें कि एंडोमेट्रियम बायोप्सी कैसे की जाती है, तो एंडोमेट्रियम बायोप्सी करने से पहले आपके डॉक्टर आपको जो लोअर साइड के जो कपड़े हैं उतारने को कहेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके डॉक्टर जो होते हैं वेजाइनल ट्रैक्ट के जरिए अंदर जो होते हैं कैथेटर डालते हैं, जो एंडोमेट्रियम तक जाता है। ये जो कैथेटर क्या होता है, अंदर से टिश्यूज या मांस का टुकड़ा निकाल कर लेकर आता है। ये मांस का टुकड़ा जो होता है वो निकाल कर लाते हैं स्क्रैपिंग करके, उसके बाद ये लैब में भेजा जाता है जहाँ पर इसकी जांच होती है और आपके डॉक्टर देखते हैं कि इसमें टीबी, कैंसर या किसी कोई अन्य प्रकार की समस्या तो नहीं है। यदि हम बात करें बायोप्सी प्रक्रिया में कितना समय लगता है, तो इसमें जो होता है सैंपल निकालने में 3 से 5 मिनट का समय लगता है। टोटल हो सकता है आपको जो माइनर ओटी है उसमें 10 से 15 मिनट तक लग सकते हैं। यदि बात करें बायोप्सी से पहले क्या प्रिपरेशन होती है, तो बायोप्सी से पहले आपके डॉक्टर हो सकता है आपको लोकल एनेस्थीसिया वगैरह दे सकते हैं, जो दर्द को रोकने के लिए काम कर देगा। यदि हम बात करें एंडोमेट्रियम बायोप्सी के बाद आपको क्या क्या परेशानी हो सकती हैं, हो सकता है कि आपको फीवर आ जाए, आपको उल्टी या मतली की समस्या हो, पैर में दर्द हो, योनि से ज़्यादा खून आए, या योनि से दुर्गंध वगैरह भी कुछ समय के बाद आ सकती है, या आपको पेड़ों पर दर्द महसूस हो सकता है, तो आपके डॉक्टर इसके लिए आपको दवाई देंगे जो आपको लेनी होगी। यदि बात करें एंडोमेट्रियम बायोप्सी का कितना खर्च आता है, तो जो डॉक्टर आपका सैंपल निकाल कर लेकर आते हैं उसमें सैंपल निकालने के चार्जेस हो सकते हैं 1500 से 3000 या 5000 के बीच में हो, और जो टेस्ट आप लैब में करवाने के लिए भेजते हैं बायोप्सी टेस्ट, उसमें 500 रुपये से लेकर 800 रुपये का खर्चा आ सकता है। तो इसके लिए आप कौन से डॉक्टर को दिखाएंगे, एंडोमेट्रियम में अगर कोई समस्या है तो उसके लिए आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट या जो सर्जन डॉक्टर होते हैं उनको दिखाना होगा। सो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रेम्बो।